Live reporting is a daunting task and journalists sometimes go to any extent to give an exact picture of the situation at ground zero. Similarly, Pakistani reporter decided to immerse himself in neck-deep water to give his inputs. The reporter was covering the flood situation in Pakistan and talking about the rising water levels of the Sindh River in Punjab region. The footage went viral online. Many found it hilarious. Many trolled the channel and said the reporter shouldn't have risked his life, with many dubbing it heights of stupidity. जी बिल्कुल, कोटसटा के इलाके जखड़ इमाम शाह के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने के बायस यहां पर हजारों एकड़ खड़ी फसलें भी दरिया बर्द हो चुकी हैं और ये जो दरियाई पानी है आबादियों की तरफ बढ़ने लगा है। इसी हवाले से जब हमारे इलाका मकीनों से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि जिलाई इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए और ये जो दरिया का पानी है हमारी आबादियों की तरफ बढ़ने लगा है और हमारी फसलें भी दरिया बर्द हो चुकी हैं। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब और वजीर आजम इमरान खान से मुतालबा किया है कि यहाँ जखड़ इमाम शाह के मकाम पर दरियाए सिंध में हिफाजती इकदाम किए जाएं ताकि हम दरियाई कटाव से बचें।